सो गाइज, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो मैं बता दूं, मैं हूं नाविक रुद्रा और मैं बनाता हूं मिडिल क्लास लोगों के लिए वीडियोस। मेरी वीडियो को देखकर ये मत सोचिएगा कि बस ये फाइनल है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, समझिए। और मैं जो है कि वीडियोस जो बनाता ही हूं बस इसी को टारगेट करके कि आपका पैसा बर्बाद ना हो, ठीक है। पैसा बर्बाद ना हो यही सोच के बनाता हूं। देखो, आंखों में आंखें देख के बता रहा हूं आपको, ठीक है, क्योंकि यार अगर पैसे बर्बाद हो जाए ना, फिर जो है कि हम मिडिल क्लास लोगों के पास वो क्षमता नहीं है कि मैं फिर से कुछ और कर सकूं, कमर टूट जाती है, ठीक है। और आज की महंगाई जो है ना, एक ही तीर है, तीर सही जगह पे मारना है। हर वीडियो में बताता हूं, मैं इस वीडियो में भी आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। वीडियो में बने रहिए और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये जो CCMC कोर्स है, जो सर्टिफिकेट कोर्स इन मरीन कैटरिंग जिसको कहते हैं, तो इसके द्वारा हम कैसे पैसे बनाएं, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या काम रहता है, छोटे छोटे। तो जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक में पढ़ ही लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं, आज की वीडियो होने वाली है CCMC के बारे में। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉर्ट में आपको ऐसा नहीं समझाने वाला कि मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये है, वो है, ऐसे करोगे, इतना आसानी से मैं नहीं समझाने वाला, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है, ठीक है। कभी ऐसा सुना नहीं होगा यार वीडियो के शुरुआत में। तो मैं आपको बता दूं, देखो, खाना तो कुछ खास बहुत ज्यादा आपको हाई फाई टाइप का खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत से अच्छे चीफ कुक देखे हैं जो एकदम रेस्टोरेंट टाइप का खाना बनाते हैं, और बहुत से ऐसे देखे हैं जो घर का खाना बनाते हैं। तो घर टाइप का खाना बनाना अगर जानते हो तो इनफ है, बट वेट फॉर इट, घर का चावल दाल खाली बनाने से नहीं होगा। तो आप ऐसा मत समझो कि आपको तो आता नहीं है इतना हाई फाई खाना बनाना। तो ये जो 2 लाख रुपए इसकी फीस जो है ना, चलो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, 2 लाख रुपए जो नॉर्मली ज्यादातर जगहों पे इसकी फीस है, तो ये 2 लाख रुपए आप किस लिए दे रहे हो? यही सब सीखने के लिए, टेबल पे कैसे, टेबल मैनर्स कैसे, हर चीज यार डिटेल में, कैसे चम्मच रखना है, कैसे बर्तनों को धोना है, क्या क्या जहाज पे जो होता है वो अलग से क्या रेगुलेशन है, गार्बेज कहाँ फेंकना है, ये सब कुछ डिटेल में वहां पर पढ़ाएंगे यार। तो टेंशन मत लो, टेंशन बस एक ये चीज सोच के चलो कि आपको इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट क्या है, खाना बनाने में इंटरेस्ट है कि नहीं, मजा आता है कि नहीं खाना बनाने में, खाना खाने में इंटरेस्ट आता है कि नहीं। कुछ लोग कैसा होता है ना, जैसे पढ़ने पढ़ाने का शौक होता है कि नहीं, वैसे कुछ लोग को अपना अपना शौक होता है ना, तो कुछ लोगों को वो खाना जो बनाते हैं ना यार, तो क्या बताऊं आपको, किसी जहाज पे तो चीफ को कैसे मिलते हैं ना, जो बस नमक डाल देना दाल में, वो दाल इतनी टेस्टी हो जाती है कि पूछो मत, सब लोग उंगलियां चाट जाते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत भी करके उतना अच्छा खाना नहीं बन पाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप खाने में इंटरेस्टेड हो, कि खाना कैसे बनाए, उसमें मजा लेते हो। मेरे भैया है ना, वो ज्यादा डिशेज नहीं बनाते, और कुछ डिशेज बनाते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो अगर आप वैसे तरह के लोग हो जिसमें आपको खाना बनाने में मजा आता है, क्रिएटिविटी में मजा आता है, तो आपके लिए ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही अच्छी लाइन है। सैलरी में बताऊं आपको, कम से कम आप समझ के चलो 1.5 लाख की सैलरी, समझ रहे हो, मिनिमम 1.5 लाख। मैं ना एक देखो पेइंग स्लिप का ये लगा रहा हूँ, ये मेरे जहाज का है, तो डॉलर में देख लो क्या सैलरी बनती है, 2000+ चली जाएगी, समझ रहे हो। तो देखो क्या क्या चाहिए, पहले तो मैं वो बता देता हूँ, ठीक है, कहानी वहानी बाद में बताता रहूंगा आपको। 10 पास होना चाहिए, सिंपल, बहुत सारी वीडियोस आपने ऑलरेडी देख रखी हैं, ये सब तो आपको पता ही होगा, 10 पास होना चाहिए आपको, ठीक है, इंग्लिश होनी चाहिए, जो 10 पास करोगे उसमें इंग्लिश होनी चाहिए। इंग्लिश में कितने नंबर चाहिए, 40% से ऊपर चाहिए भैया, ठीक है, ये मत पूछना कितनी चाहिए, मेरी इंग्लिश खराब है। देखो इंग्लिश बोलना ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, मैं तो बहुत लोगों के साथ सेल किया हूँ, इंग्लिश आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इंग्लिश समझना आना चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज खाना आपको बनाना है, ठीक है। जस्ट कैप्टन या कोई दूसरे नेशनैलिटी का है, कुछ सवाल पूछता है तो वो सब कैसे जवाब देना है, उसके लिए थोड़ी बहुत इंग्लिश चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो 6 महीने का कोर्स होता है इसका, ठीक है, हालांकि ये CCMC अब होने लगा है, पहले ये दूसरा एक कोर्स होता था, वो मुझे नाम याद नहीं है, बट उसमें और उससे पहले तो लोग GP करके ही चले जाते थे जनरल पर्पस, लेकिन अब जो है ये CCMC के थ्रू ही लोगों को लेते हैं, ठीक है।
तो मैं आपको शुरुआत से, जैसे मान लो मैं सीसीएमसी करता, ठीक है, मुझे मान लो खाना बनाने के लिए चीफ कुक बनने का मन होता, तो मैं क्या करता, मैं 10th पास कर लेता, उसके बाद मैं क्या करता कि ये सीसीएमसी कोर्स कर लेता, ठीक है। सीसीएमसी कोर्स करने के बाद या तो मैं नौकरी खोजता, अगर मुझे नौकरी मिल गई डायरेक्टली तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मान लो कि नौकरी नहीं मिल रही, ठीक है, कमेंट्स में जाके पूछोगे कि भैया कमेंट में मतलब बताओ, मैंने तो कर लिया है, बेस्ट कौन सा कॉलेज है, ये सब मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आपने कर लिया है, नौकरी नहीं मिल रही, तो क्या करो ना, 5-star 3-star होटल्स में जाके, जैसे नौकरी करते हैं लोग, वैसे नौकरी जाके करो। अभी 5-star होटल का स्टाफ का कितना सैलरी होता है आपको पता है ना, समझ लो। और यहाँ पे 5-star के जैसा एकदम परफेक्ट काम करने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ अच्छा खाना, हेल्दी खाना, यहाँ दिस बिकॉज वी आर हियर वर्किंग पीपल, यू नो, वी आर नॉट हियर फॉर लाइक खाली गलतियां निकालने के लिए, ठीक है। हमको हेल्दी खाना चाहिए ताकि पेट में अच्छा खाना रहे, तो हम काम जो है अच्छे से कर पाएंगे। सॉरी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बैठे मत रहो, ठीक है, एक्सपीरियंस ले लो, कहीं पे जाओ एक्सपीरियंस ले लो। एक्सपीरियंस मतलब क्या है कि देखो यार, काम में अच्छे रहोगे तो एक तो पहली बार जहाज पे चढ़ गए कैसे भी, उसके बाद अगर खाना अच्छा नहीं बना पा रहे हो तो वहां से भी तो नौकरी जा सकती है ना। तो इम्पोर्टेंट है कि आप खाना बनाना सीख लो। सबसे बड़ी बात क्या है ना, देखो अगर आप प्रमोशन चाहते हो ना बाकी कोई भी डिपार्टमेंट में, जैसे कि 3 डिपार्टमेंट आपको पता ही होगा, डेक, इंजन एंड गैली डिपार्टमेंट, तो एक तो गैली डिपार्टमेंट के आप हेड बन जाओगे विदाउट एनी एग्जामिनेशन, कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है, बस आपको करना क्या है, ये जो सीसीएमसी कोर्स कर लोगे उसके बाद जो है कि 24 महीने के एक्सपीरियंस के बाद डीजी, जो डीजी है, ये सब ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये तो इतना डरना नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है। एक बार जब कर लोगे ना तो उसके बाद आप इंस्टीट्यूट में रहोगे तभी ये सब सीख लोगे, वहीं पे लड़के आपको जो है ना हीरो बना देंगे, समझ रहे हो। एक दूसरे से मिलके जब बात होती ना तब उसमें आपको खुद ही नॉलेज मिल जाता है, तो इतना ज्यादा ये मेरी बात सुन के सोचो मत, ठीक है। सब सब साला एकदम ईजी चीज है, एकदम याद रखो। तो करना क्या है, जब 24 महीना हो जाएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी COC आजकल चीफ कुक के लिए आती है, उसको अप्लाई करना है, वहां से ले लेना है डीजी की साइट से, ठीक है। तो ये बात पे ध्यान मत दो, ठीक है, ये मतलब इजीली द पॉइंट इज आपको कोई और एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो इसी के बेसिस पे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें जो होता है एक और बात है कि हाँ, याद रखना कि खाली खाना बनाने नहीं आए हो जहाज पे, जहाज पे हर आदमी को एक STCW कोर्सेज करने होते हैं, जिसमें मतलब बेसिक कोर्स है जो कि आपको समुन्द्र में कोई भी काम करने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि इसमें क्या सिखाते हैं कि भाई जहाज पे आग लग गया तो कैसे बुझाएंगे, जहाज के लोगों के साथ बातचीत कैसे करते हैं, झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो कोर्स का नाम होता है जैसे फायर फाइटिंग एंड फायर प्रिवेंशन, फायर प्रिवेंशन, ठीक है, एक हो गया। दूसरा होता है PST, पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक, तो वो होता है कि भैया कैसे अगर कभी समुद्र में जहाज डूब गया, कहां से डराने लग गया यार, कहने का मतलब वो भी होता है, ठीक है। तो अगर कभी कुछ होता है तो हम लोग अपने आप को समुद्र में कैसे बचाएंगे, वो मन में तो आ ही रहा होगा ना कि भैया यार मुझे तो स्विमिंग नहीं आता, मैं क्या करूंगा, तो वो सब सिखाते हैं वहां पे, ठीक है। स्विमिंग नहीं, टेक्निक सिखाते हैं कि हम लोग समुद्र में अपने आप को कैसे बचाएं। तो PST हो गया पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक, PSSR हो गया पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कि मतलब लोगों के साथ कैसे हम बिहेव करें वो सब सिखाते हैं, ठीक है। और भी एक कोर्स है EFA की, मतलब अगर किसी को चोट लग गई तो, या फिर पानी पी लिया उसने, या फिर ठंडी लग रही है, या मुंह में कुछ फंस गया, तो EFA एलिमेंट्री फर्स्ट एड, उसको फर्स्ट एड कैसे दें, ठीक है। तो आप जहाज पे आते हो तो खाना बनाने आए हो फिर भी आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। मैं जहाज पे आया हूँ स्टीयरिंग करने, साफ सफाई, ये वो अगड़म बगड़म, क्या क्या काम मेरा दुनिया भर का काम है यार, छोटा छोटा पूछो मत, आंसू आ जाएंगे। तो वो सारे काम के बाद ये काम भी आना ही चाहिए, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है। फिर आपको 24 महीने के बाद डीजी से आपको वो मिल जाएगा। और अब देखो ये आप ये नहीं है कि 24 महीना आपने कर लिया, COC निकाल लिया, अब तो मुझे जॉब ही नहीं मिल रही है यार, मुझे तो चीफ कुक बनना है। देखो ये पूरा पूरा आपका जो होगा कंपनी के ऊपर, कैप्टन के ऊपर होगा। जब आप अच्छा परफॉर्मेंस दिखाओगे, खाना बना के दिखाओगे, तो वो ये सोचेगा ना यार इसको जो दो सेकंड जो जैसे GS जो इनिशियली, अच्छा लेट मी टेल यू, इनिशियली जब आप ये कोर्स कर लोगे तो आपको फर्स्ट टाइम शिप पे GS में ज्वाइन करना पड़ेगा, जनरल स्टूअर्ड, ठीक है। नाम बड़ा और दर्शन छोटा, छोटा क्या, नॉर्मल काम करना है, सेकंड कुक कह सकते हो इसको, इसको सेकंड कुक कहते हैं। ये कुक को जो चीफ कुक होता है उसको असिस्ट करता है, सब्जियां काटता है, बर्तन धोता है,
तो साफ सफाई जो टॉप फोर होते हैं ना उनके कैबिन की सफाई भी करता है। टॉप फोर कौन? चीफ ऑफिसर, कैप्टन, चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर। तो ये चारों के कैबिन की साफ सफाई का काम कौन करेगा? जीएस करेगा, यानी जनरल स्टूवर्ड, या आप दूसरा नाम सेकंड कुक भी कह सकते हो, हेल्पर कुक भी कह सकते हो, जो भी जो आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, तो कोई काम क्या है? कुछ नहीं है। और काम भी कैसा है ना, इतना मशीनें रहती है ना, इतनी फ्रोजन चीजें होती है कि झटपट बनता है यार। 25 लोगों का नाम सुन के डरना नहीं है, बहुत ज्यादा काम है, मेहनत है, ऐसा नहीं है, काम तो है। देखो मैं दिल से बताऊं तो जहाज पे ना सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम तो भाई गैली करते हैं। रिस्की जॉब तो नहीं है वैसा, बट एट द सेम टाइम रिस्की भी है यार, हर बार तेल को गर्म करना तो वो रिस्क तो रहता ही है ना। तो देखो जैसे आप समझ सकते हो, सड़क पार करना बड़ा मुश्किल है, अगर आप सही ढंग से नहीं आंख बंद करके जाओगे तो वो भी रिस्की है कि नहीं। तो खाना बनाना भी रिस्की होता है। अब खाने बनाने में जितने रिस्क हैं आप जानते ही हो, मैं फिर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपको जो है कि जब जहाज पे आओगे तो सारी ये मशीनें बहुत सारी रहेंगी, आटा गूंदने की मशीन, हर चीज की मशीन है यार। आजकल आप घर पे लोग रखते हैं तो जहाज है ये तो समझ लो। और यही है चीफ कुक का काम जो होता है ना, वो यही रहता है कि भैया क्या ऑर्डर करना है, कितने दिन के लिए खाना चाहिए, कितना चाहिए, ये सब कैप्टन को बताएगा। कैप्टन उससे पूछता है कि भैया हम तो 30 दिन के लिए निकलने वाले हैं, खाना पीना है कि नहीं अपने पास, तो वो इन्वेंटरी रहेगा। कैप्टन भी कभी कभी चेक कर लेते हैं, और जो थर्ड मेट या अगर कोई और है जो हेल्प कर रहा है। इसमें मैंने ज्यादातर देखा है कैप्टन लोग ही मतलब इसको हैंडल करते हैं, खाना वाना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो जो गैली चीफ कुक होगा वो ये सब काम करता है, ठीक है, हिसाब किताब रखता है। आप गोरे लोग हैं मतलब यूरोपियंस हैं, तो उनके लिए जो खाना उनका है वो उतने क्वांटिटी में है कि नहीं, जितने दिन के लिए हम लोग जहाज लेके जा रहे हैं उससे एक्स्ट्रा जितना और भी होना चाहिए। ये नहीं कि 30 दिन के लिए निकले हैं, बीच में 15 दिन कहीं खड़े होना पड़ गया तो हमारे पास खाना ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिक जैसे कि आलू प्याज ये सब चीजें जो खराब नहीं होती, फ्रूट्स में जैसे कि आपका संतरा सेब और वाटरमेलन ये सब खराब नहीं होता, ये सब ज्यादा दिन के लिए रखते हैं। बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, ऐसी चीजें हैं जो आम हो गया, ये सब जल्दी खराब होने वाली हैं तो इनको जल्दी निकालना है। तो ये सब मैनेजमेंट जो है ना वो चीफ कुक करता है। तो आप घबराओ मत, इतना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो बड़े मस्ती से अगर आपको शौक है ना खाना बनाने का, मैं तो कहता हूँ मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लो यार। मतलब देखो, या तो अगर आप घर पे वहां पे कहीं एक होटल वोटल खोलोगे तो पता नहीं देखो कितना 1.5-2 लाख कमाने में पर मंथ का, आई डोंट नो, मतलब कमा सकते हो। बिजनेस करके तो बहुत लोग कमा ही रहे हैं, बट अगर आपको उतना इन्वेस्टमेंट करने का और ये सब नहीं है, सिक्योर एक जॉब चाहिए, तो मैं बताऊं ये काम कर सकते हो। आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर शौक है आपके दिल में, मन है, तो आप ये काम जो है कि बहुत ही आसानी से कर सकते हो। सबसे मुश्किल चीज है जॉब लेना, ठीक है। तो अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा होगा तो जो मैंने आपको पहले बताया वो करिए। नहीं मिला, लास्ट ऑप्शन है कोई एक एजेंट पकड़ लीजिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत अगर पैसा देना पड़ता है तो कोई ज्यादा सोचिए मत, दीजिए। एक बार जॉब लग गई तो जहाज पे जो है ना उतना मेहनत नहीं है, मतलब एक अच्छी कंपनी पकड़ना। लेकिन एक बात समझ लो, अगर एजेंट को पैसा देते हो ना तो एजेंट को देने का सबसे बड़ा मैं बता रहा हूँ टेक्निक, एक तो एजेंट को, कोई भी एजेंट को पैसा मत दो, उसका घर बार ये वो, उसकी कुछ तो आईडी रखो ताकि पैसे लेके भाग ना सके। और दूसरी बात, उसको बोलो ऐसी कंपनी में जाओ जहां की वापस से ज्वाइन कर सको, ठीक है। ये नहीं कि एक बार पैसा दिया दूसरी बार भी दूंगा तीसरी बार भी दूंगा, ऐसा ना हो, ठीक है। तो दूसरी बार भी जा सको, इसलिए अच्छी थोड़ी कंपनी में जाना, पैसा दे ही रहे हो तो अच्छी कंपनी में जाना। सो आई डोंट नो, मैंने कुछ अगर छोड़ दिया हो या कुछ तो माफ करिएगा। बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ विश्राम देता हूँ। और अगर आप कमेंट में सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करते हैं तो मैं पक्का उस कमेंट का जवाब दूंगा। जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं, मैंने लगभग सारे कमेंट्स का जवाब दिया है। तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नाविक रुद्रा, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।